नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे हर वीडियो में हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन से अवगत कराते हैं। जो नए सीजन आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको कौन सी मशीन परचेस करनी चाहिए, कहाँ कौन सी योजना चल रही है, सरकार किस स्टेट में कौन सी योजना लेकर आ रही है, उन सब का पूरा हम लोग आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। इसी क्रम में दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सरकार द्वारा PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लॉन्च किए गए 20 DBD 100 DBD प्लांट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार हर राज्य में, देश के हर राज्य के अंदर सरकार ने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की हुई है, जिसके अंतर्गत सरकार का ये है कि सरकार ब्लू रेवोल्यूशन के जरूर लोगों की यानी फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि लोग फिश फार्मिंग करें, फार्मिंग करके अपनी इनकम को बढ़ाएं। हमारे इंडिया के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर यानी खेती के अंदर बहुत अनसर्टेंसी, अनिश्चितता है। कभी बहुत बाढ़ आ जाती है, कभी बहुत बारिश आ जाती है, कभी कम बारिश आती है। इसीलिए एक किसान अपने यहाँ पर आय के दोनों स्रोत पर डिपेंड रहे, यानी कि वो अपने फार्म भी रखे और फार्म के साथ पॉन्ड रख करके उसमें फिश फार्मिंग भी करे। इसके साथ साथ सरकार चाहती है कि फार्मर पशुपालन भी करे, इसलिए कैटल फीड बनाने के लिए भी सरकार ने मशीनों को बढ़ काफ़ी अच्छी सब्सिडी योजना लाई हुई है। तो आज हम इस वीडियो में 1-to-1 हमारे जो बड़े प्लांट हैं यानी कि 20 DBD 40 DBD एंड 100 DBD जो प्लांट हैं उनके बारे में 1-to-1 पूरी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे 1-to-1। तो अब हम इस सफर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम बेसिकली बड़े प्लांट के बारे में समझे, इससे पहले हम लोग आखिर फिश फीड की आवश्यकता क्यों है, क्यों फिश फीड प्लांट लग रहे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये चार राज्य जो हैं बड़े फिश फीड आयतक के रूप में उभर के आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकार का फोकस इन 4-5 राज्यों में रहा, MP सहित। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सरकार ने संपदा योजना के अंदर तालाब खुदवाए हैं, लोगों को फिश सीडलिंग खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। और जब आदमी पॉन्ड खोद रहा है, जब फिश डाल रहा है, तो उसको फीड की आवश्यकता ही पड़ेगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ी विचित्र बात यह है कि अभी भी इन 5-6 राज्य जो हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के, इन सब के अंदर जो फीड आ रहा है वो आंध्रा और छत्तीसगढ़ से आ रहा है। यानी कि करीब करीब 5-6 रुपये पर KG का ट्रांसपोर्टेशन पे करने के बाद में ये फीड हमारे पास पहुँच रहा है। और ये सीधी लागत जो है ये कोई और नहीं पे कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग पे कर रहे हैं, यानी कि फार्मर लोग पे कर रहे हैं। तो फार्मर अगर 5-6 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट ट्रांसपोर्टेशन का क्यों दे रहा है, उसका बड़ा कारण है क्योंकि हमारे पास नॉर्थ इंडिया में प्लांट्स नहीं हैं। तो दोस्तों, सरकार चाहती है कि लोकल लेवल पे भी प्लांट लगे, बड़ी कैपेसिटी के, बहुत बड़ी कैपेसिटी के और मीडियम कैपेसिटी के, और जो फार्मर भाई जो सक्षम हैं, जिनके पास एकर्स में फार्मिंग है, वो अपना खुद का फीड बनाए और साथ साथ अपने आसपास वालों को भी फीड दे करके उनकी मदद करें। और इस तरह से सरकार चाहती है कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो पैसा जा रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके और उस चीज़ को सीधा सीधा हमारे जो फार्मर भाई है उसको बेनिफिट मिल पाए। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि आखिर हमें फीड प्लांट क्यों लगाने हैं, यानी कि हमें फीड प्लांट लगाने के लिए सरकार क्यों मदद कर रही है, ये मेन कारण हुआ। अब हम समझते हैं फीड प्लांट के बारे में, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझते हैं कि आखिर फिश फीड प्लांट जो बन रहे हैं उनके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझें, फिश फीड प्लांट से हम सरकार जो योजना लेके आई है उसमें सरकार चाहती है कि फ्लोटिंग फिश फीड यानी तैरने वाला दाना इस प्लांट में बन जाए। और मेरे पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस दाने को बनाने के लिए आपको कई सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, 10-11 तरह के रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जो आपको लोकली ही किसी भी एरिया में मिल जाएंगे इंडिया के। प्रमुखतया जो इसके अंदर लगने वाले रॉ मटेरियल हैं वो सोया DOC, मस्टर्ड DOC, DORB, DDGS, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, मेज गुलेटिन, राइस गुलेटिन, मेज, वीट फ्लावर, विट सेमोनिला, ये 11 तरह के रॉ मटेरियल हैं जो कि इस प्रमुख के आपस में यूज होते हैं। इसके अलावा इनके वैकल्पिक तरीके रूप में DDGS और कई तरह के प्रोटीन के अदर विकल्प वो भी इसके अंदर यूज किया सकते हैं। तो ये सारे रॉ मटेरियल जो हैं पूरे इंडिया में हर पार्ट में आसानी से मिल जाते हैं।
दोस्तों फ्लोटिंग फिश फीड जो होता है वो प्रमुख तरह से एक फ़िश की साइकिल जो कि फरवरी से स्टार्ट होती है और नवंबर तक जाती है, उसके अंदर फिश के साइज़ के हिसाब से 0.8 mm से लेकर के 5 mm तक का फिश फीड मछली खाती है। यानी कि जो छोटी मछली रहेगी उसको ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैट का फीड लगेगा, और जैसे जैसे फिश अपनी साइज़ को पूरा पकड़ लेती है, बड़ी साइज़ की रहती है, तो उसको कम प्रोटीन और कम ही कैलोरी का यानी फैट का फीड लगता है। यानी कि जब हम फिश को डालते हैं पॉन्ड के अंदर लगभग नवंबर के जनवरी के आसपास, तो उस समय पर उसको 0.8 mm और 1 mm की फीड की आवश्यकता होती है। उसके बाद फरवरी मार्च के अंदर उसको 2 mm की फीड की आवश्यकता होती है। उसके बाद अप्रैल के अंदर वो 3 mm का फीड पर डिपेंड हो जाती है, और उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस पूरे सीजन के अंदर फिश को 4 mm या 5 mm फीड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सर साथ ही साथ अगर हम प्रोटीन वाइज देखें तो जब हम फिश को डालते हैं तालाब के अंदर उस समय पर उसको 40 प्रोटीन का और 6 फैट का फीड चाहिए होता है। उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती है यानी कि 1 महीने 1.5 महीने बाद हमें उसमें 38 प्रोटीन का या 32 प्रोटीन का फीड डालते हैं जो कि 2 mm का होता है। उसके बाद हम लोग 2 mm का ही 30 प्रोटीन का फीड डालते हैं जब ये मार्च के आसपास आती है। उसके बाद अप्रैल के अंदर हम लोग 3 mm का 28 प्रोटीन या 30 प्रोटीन का फीड डालना चालू करते हैं। उसके बाद मई से हम लोग 4 mm का 28 प्रोटीन का फीड डालना चालू करते हैं, और ये क्रम चालू रहता है हमारा अगस्त तक। और अगस्त के बाद में हमारे कई किसान भाई 24 प्रोटीन 26 प्रोटीन या 20 प्रोटीन इस तरह से फीड को देकर के फ़िश की हेल्थ को उनकी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक फ़िश जब हम तालाब में डालते हैं और जब वो पूरी रेडी होकर बाहर निकलती है उस साइकिल के अंदर कई तरह के फीड की क्वालिटी लगती है, और ये सब मंगाने के लिए आप जानते हैं दोस्तों कि आपको एक अच्छी खासी क्वांटम खरीदनी होती है और उसके लिए खासी अच्छा खासा पैसा देना होता है। मसलन के अगर हम अमूमन बात करें मार्केट के अंदर तो काफ़ी बड़ी कंपनीज जिनसे कि फीड आ रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर नंबर 1 नंबर 2 कंपनीज है, उनका 4 mm का फीड अमूमन नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो 43 रुपये 44 रुपये के आसपास का मिलता है। और अगर 3 mm की फीड की बात करें तो वो 48 रुपये के आसपास मिलता है। अगर 2 mm की फीड की बात करें तो वो 56-57 रुपये किलो के आसपास मिलता है, और 1 mm की फीड की बात करें तो वो 70-72 रुपये किलो तक फीड अवेलेबल होता है। लेकिन एक प्रश्न ये है कि क्या वाकई में फीड को बनाने में इतनी कीमत आती है? तो इसका उत्तर दोस्तों ये है कि नहीं, इतनी कीमत नहीं आती है। लेकिन मैं इस पक्ष में ये भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि कंपनीज ओवर द ईयर काम नहीं करती हैं, सिर्फ 8-9 महीने ही पीक पे काम करती हैं, 4 महीने उनको अपने खर्चे मेंटेन करने होते हैं, उनके अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, इसीलिए वो फीड की कीमत को बढ़ा के रखती हैं। तथा साथ ही साथ आज की डेट में कई अनिश्चितताएं भी हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इन सबको कवर करते हुए कंपनीज एक ऐसी रेट रखती है जिससे कि फार्मर को वो पोसाए भी सही, यानी उसको परवड़े भी और उस तक फीड भी पहुंच जाए। लेकिन हम आज 2022 के अंदर यानी 2022 के अंदर इतने भी हम लोग बड़ी कंपनीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते कि हम अगर हम पटना में बैठे हैं तो हम आंध्रा से फीड बना रहे हो मंगा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि उस चेन को तोड़ा जाए। उस चेन को तोड़ करके हमारा जो किसान भाई है वो अपना किसी भी लेवल का प्लांट लगाए, और प्लांट लगा करके उसके अंदर फीड बना करके आसानी से 1 mm के ऊपर 18-20 रुपये किलो, 2 mm के ऊपर 10-12 रुपये किलो, 3 mm के ऊपर 8-9 रुपये किलो, और 4 mm के ऊपर 5-6 रुपये किलो आसानी से सेव कर सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन तथा अन्य खर्चों पर जो कंपनी पैसा ले रही है उस पैसे को बचा करके इस मार्जिन को सीधे सीधे खुद के लिए तथा अपने जैसे कई किसान भाइयों को वो सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो आज हम 2022 में जो कि एक क्रांतिकारी युग चल रहा है, उस युग के अंदर हम लोग फीड को इतनी दूर से मंगाए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, प्लांट को आसानी से लगाया जा सकता है। तथा साथ ही साथ ये प्लांट फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट आजकल आने लगे हैं जो हमारी कंपनी बना रही है, प्रोवेग इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग, और साथ साथ ये प्लांट काफ़ी कम मैन पावर से काफ़ी कम समय में अच्छी क्वालिटी का फीड प्रोड्यूस कर देते हैं। दोस्तों हमारे प्लांटों से बनने वाला फीड बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, और आप इसको बाकी जो बड़े प्लांट्स फीड आ रहा है उनसे कंपेयर कर सकते हैं।
तथा साथ ही साथ हमारे प्लांट से बनने की जो लागत है फीड की, वो काफ़ी बड़े प्लांट की लागत से कम होती है। हमारे प्लांट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्लांट की कॉस्ट, ये सब भी काफ़ी बड़े प्लांटों से कम है। इस तरह से हम ये चाहते हैं कि हम सरकार के साथ भागीदार बन करके आप लोगों तक एक सही टेक्नोलॉजी को, प्लांट की टेक्नोलॉजी को पहुंचा पाएँ। आप लोग अपने प्लांट इंस्टॉल करें और उस प्लांट से आप स्वयं तथा आसपास की जो सोसाइटी है उसके अंदर फीड डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों की जो डिपेंडेंसी है, लोग जो अपने पॉकेट से ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्चों के लिए पैसा दे रहे हैं, उन सबको रोकें और आप लोग अपने प्लांट से अपने आसपास के एरिया में फीड दे करके लोगों को स्वतंत्र बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं। दोस्तों, यहाँ तक की जो पूरी जानकारी हुई, ये हमारी फीड बनाने की क्या मजबूरी है, इन सब से रिलेटेड हुई। अब अगले सेक्शन में हम ये देखेंगे आखिर फिश फीड को बनाने के लिए प्लांट में क्या क्या सेक्शंस होते हैं और इनके लिए क्या क्या मशीनें लगती हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट कैसे काम करता है, उस प्लांट के अंदर कितनी स्टेप्स हैं, क्या स्टेप का क्या रोल है, प्लांट को लगाने में क्या कॉस्ट है, प्लांट के अंदर लगने वाली मैन पावर कितनी होती है, उसकी क्या कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, इन सब ही विषयों पर हम 1-to-1 एक रनिंग प्लांट के साथ में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रनिंग प्लांट के साथ में बैक कमेंट्री के साथ में हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको हमारा ये प्रयास जो है सफल लगेगा। और अगर आपको यहाँ तक का अभी पूरा हमारा स्लाइड पसंद आया हो तो आप इसी समय पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियो हो इसको लाइक कीजिए, इसके साथ साथ इस पर कमेंट कीजिए और अगली स्लाइड जो कि प्लांट के साथ में है उसके लिए आप तैयार रहिए। और अब आपको प्लांट के साथ में रनिंग कमेंट्री के साथ में पूरा हम लोग हमारे द्वारा लगे हुए प्लांट की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगले 30 मिनट के अंदर आपको पूरे प्लांट की A to Z जानकारी मिलेगी। आपको धैर्यपूर्वक सुनिए और प्लांट के स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप मैंडेटरी हैं, क्या स्टेप मैंडेटरी नहीं है, हमें क्या सिस्टम से प्लांट लगाना है, पूरी जानकारी को लेने की आप कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक 5 TPH यानी कि 100 TPD 100 टन पर डे के एक प्लांट में हम लोग आपको लेकर आए हैं। ये प्लांट कम्प्लीटली फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट हम कह सकते हैं। ये प्लांट एक कंप्यूटर स्क्रीन से चलता है जिसको कि हम लोग PLC यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का बैकअप देते हैं, जो कि एक स्मार्ट PLC है। उस पूरे कंट्रोलर के बैकअप से पूरा प्लांट चलता है। ऐसा नहीं कि इस पर लेबर की आवश्यकता नहीं, लेबर की आवश्यकता है, लेकिन कम से कम लेबर की आवश्यकता है। यह प्लांट 6 लेबर पर चल सकता है और 3 ऑपरेटर्स में आवश्यकता है। और इसके अलावा एक पूरा कंप्यूटराइज्ड बैकअप रहेगा जिससे कि हम सारे प्लांट की जो मोटर्स हैं, सारे प्लांट की जो इंटेलिजेंस है उसको हम लोग सेंस करते हैं और सेंस के बाद में सिग्नल प्रोवाइड करके हम इस पूरे प्लांट को चला रहे हैं। यह प्लांट दोस्तों लगभग 25,000 स्क्वायर फीट से 30,000 स्क्वायर फीट के अंदर लगता है। इसमें प्लांट को लगाने के लिए जो जगह की आवश्यकता है वो करीब 7,500 से 10,000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता है। मसलन कि अगर आपकी विड्थ अगर जो है शेड की अगर आपकी 60 फीट है और आप तो आपको करीब करीब जो है इसमें 150 से 160 फीट की लंबाई रखनी पड़ेगी। इतनी आवश्यकता में आपका प्लांट पूरा बैठ जाएगा। और इसके अलावा जो प्लांट के आगे और पीछे हम लोग रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 25 से 30,000 स्क्वायर फीट के अंदर आप आसानी से इस प्लांट को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ये बताना चाहूंगा कि ये प्लांट जो अभी हम देख रहे हैं ये 5 TPH यानी कि 5 टन पर आवर फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग प्लांट है। और लगभग मान के चलिए कि अगर आप 2 टन का प्लांट लगाते हैं, 2.5 टन का लगाते हैं, 3 टन का लगाते हैं तो भी प्लांट की स्ट्रक्चर यानी कि प्लांट का जो प्रोसेस फ्लो है वो इसी तरह का रहेगा। ओनली जो कैपेसिटी मशीन्स की कम हो जाएगी और प्लांट की थोड़ी हाइट कम हो जाएगी, थोड़ी जगह कम रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, अन्यथा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट प्लांट जो रहेगा वो इसी तरह का रहेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट से कि आखिर प्लांट की क्या स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये प्लांट का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके पीछे जहां हम देख रहे हैं ये लेबर मूव कर रही है, ये हमारा रॉ मटेरियल स्टोरेज का एरिया है। और हमारी लेबर जो है एक नंदी मशीन के माध्यम से बैग को लेकर आती है और यहाँ पर ये जो अपन जो एलिवेटर देख रहे हैं ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पर लेबर ये बैक को काट रही, ये है स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी कि यहाँ से हम लोगों को रॉ मटेरियल को इस पूरे प्रोसेस के अंदर फीड करना है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कंप्लीटली ऑटोमेटिक प्लांट की तो फिर ऑटोमेटिक प्लांट मतलब तभी हुआ
जब आपकी प्लांट की रेसिपीज हैं वो ऑटोमेटिक हो, तो रेसिपीज को ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो एलिवेटर के माध्यम से इस सारे रॉ मटेरियल जो हमारे हैं उन सबको टैंक्स में स्टोरेज किया है। अभी आप जो देख रहे हैं ये एक स्टोरेज के लिए जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे टैंक्स लगे हुए हैं। ये एक डबल स्टेज प्लेटफॉर्म है जिसमें फर्स्ट स्टेज पे जो है देखा जाए ग्राउंड पे हम तो देख रहे हैं मिक्सर देख रहे हैं और दो एलिवेटर देख रहे हैं जहाँ पर हम मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं। यह मटेरियल कटिंग होने के बाद में सीधा हमारे नो टैंक में जाएगा जो कि इस प्लांट के लिए 72 टन के स्टोरेज में है। यानी कि एक टैंक का अगर एवरेज स्टोरेज देखा जाए तो 8 टन का एवरेज स्टोरेज आता है। इस नो टैंक से हम लोग रेसिपी बनाते हैं और रेसिपी बनाने के बाद में बैच वेयर से रेसिपी को कंफर्म करते हैं, यानी वेइंग सिस्टम से कंफर्म करते हैं, और उसके बाद में हमारा जो मटेरियल है वो जो मिक्सर हम लोग देख रहे थे उस मिक्सर में आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हम देख रहे हैं यह है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से कि हम लोग रॉ मटेरियल को फीडिंग करते हैं। यह रॉ मटेरियल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल है, कोई भी आयरन पार्टिकल है वो उसको इंटरप्ट ना करे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक जाली सिस्टम दिया हुआ है ताकि जितने भी इसके अंदर फॉरेन मटेरियल है, लोहा है, लकड़ है, वो सब यहीं पे इकट्ठा हो जाए। हम लोग यहाँ पर मैग्नेट सिस्टम भी देते हैं और ये लेबर आसानी से यहाँ पर बैग खोल देती है और इसके बाद में यहाँ से ये एलिवेटर से जो मटेरियल है वो सीधा ऊपर टैंक में जाएगा। ये देखिए आप जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर देख रहे हैं वो नो टैंक लगे हुए हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है कि हमको किस टैंक में कौन सा मटेरियल रखना है। लेबर मटेरियल काटती जाती है और उसी जगह पर जाके वाल ओपन हो जाता है और पर्टिकुलर टैंक के अंदर हमारा मटेरियल पहुंच जाता है। तो हम लोग जो नो टैंक देते हैं बेसिकली वो वीट के लिए, मेज के लिए, DORB के लिए, DDGS के लिए, सोया DOC के लिए, मस्टर्ड DOC के लिए, राइस पॉलिश के लिए और MBM या फिशमील हमको डालना हो तो इन सब के लिए डालते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 8 रॉ मटेरियल लेके चलते हैं और एक टैंक हम लोग रखते हैं रीयूज के लिए, यानी कि हमारा जो भी प्रोसेस के अंदर पाउडर जनरेशन हो रहा है उसको रीयूज के लिए हम रखते हैं। तो इस तरह से एक पूरा एक हैवी जो बल्क आप देख रहे हैं या टैंक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर पर हमारा प्री मिक्सिंग सिस्टम बनता है। अब हम बात करें कि आखिर ये प्री मिक्सिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या होती है। दोस्तों जिस तरह के प्लांट हम लोग प्लान कर रहे हैं यानी कि 5 TPH या 100 TPD जिसको हम बोलते हैं, वो प्लांट संभव नहीं है कि हम लोग अपनी लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ दें। यानी कि अगर मान लीजिए हम 5 टन पर आवर की प्लांट की बात करें तो 1 घंटे में 2 बैच बनते हैं 2.5 टन के, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लेबर पर छोड़ दें और वो अपने हिसाब से रेसिपी बना लें। तब तो जाकर के हम कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे होंगे क्योंकि हम लोग कभी भी क्वालिटी सेट नहीं कर सकते। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए किसी भी बड़े प्लांट की नींव जो होती है वो है सबसे पहले ऑटोमेटिक PLC ऑपरेटेड प्री मिक्सिंग सिस्टम। ये देखिए आप दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टैंक लगे हुए हैं, नो टैंक जो मैंने बताया आपको वो लगे हुए हैं, वहां से हमारा ये पूरा सिस्टम गवर्न हो रहा है। ये कैस्केड सिस्टम लगाया हुआ हमने, यानी कि जो भी मटेरियल आ रहा है वो मैग्नेट के ऊपर होकर आ रहा है ताकि इसके अंदर जो भी लोहा का पार्टिकल आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, वो यहाँ पर स्टक हो जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी। और ये इसलिए ज़रूरी क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारे सिस्टम को दुरुस्त रखना है। तो अभी हम जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पूरा जो सिस्टम है उससे मटेरियल वे हुआ, नीचे जाकर मिक्सर में मिक्स हुआ और मिक्सर में मिक्स होने के बाद में यह मटेरियल जो है हमारा सीधा अब आगे जाएगा ग्राइंडिंग सिस्टम के अंदर। क्योंकि आप लोगों ने एक बार पहले रेसिपी बना ली है और रेसिपी में अलग अलग जो कंपोनेंट है वो पूरा वजन हो चुके हैं, वेइंग हो चुकी है, और यहाँ से जो ये टैंक आप जो देख रहे हैं इस टैंक में ऑटोमेटिक वे किया हुआ मटेरियल मिक्स करके आ चुका है। क्योंकि वो पहले स्टेज में हम लोग पूरा टैंक में स्टोरेज करने के बाद में फिर बैच वेयर से वजन करते हैं, मिक्सर में वजन करके मिक्सर में मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर बाय एलिवेटर, सेकेंड एलिवेटर से यहाँ पर इस दो वर्म के माध्यम से ये जो मटेरियल है हमारा ये अब जाएगा ग्राइंडिंग सिस्टम के अंदर। ये प्लेटफॉर्म पर जो हम जो ये येलो सी चीज चलती हुई देख रहे हैं इसको सीविंग सिस्टम बोलते हैं, बेसिकली इसको प्लांट शिफ्टर बोलते हैं और एक सीवर सिस्टम है। तो जो भी हमारा फर्स्ट ग्राइंडिंग में मटेरियल ग्राइंडिंग होगा वो छनाई के लिए यहाँ पर जाएगा। और ये हम जो दोस्तों देख रहे हैं ये हमारा जो ऑलरेडी बैच बन चुका है, जो मिक्स हो चुका है, वो हमारा कोर्स क्रशर के अंदर आ गया। ये कोर्स क्रशर देख रहे हैं ये जाली बेस्ड रहते हैं, इनके अंदर नीचे जाली लगी हुई है, लगभग 1.5 mm के आसपास की हम जाली डालते हैं और इस 1.5 mm की जाली के अंदर हम लोग जो पूरा हमारा बैच बनाया है उसको ग्राइंडिंग करते हैं। यहाँ भी आप देखिए इनके हॉपर्स में हमने मैग्नेट लगाई हुई है। हर स्टेज पे मैग्नेट इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि हम लोग हमारे एक्सट्रूडर की मेंटेनेंस को या हमारे ग्राइंडर की मेंटेनेंस को कम से कम करना चाहते हैं। एक्चुअली जो भी हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो सारे फील्ड से आते हैं, जैसे कि मक्का है, गेहूं है, तो इनके अंदर संभव होता है कि कील आ जाए या कोई भी कोई
एक्सटर्नल मटेरियल आ जाए तो वो सीधा जाकर हमारे ब्लेड्स को या सिस्टम को हैम्पर कर सकता है। उस पर्पज से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक सिस्टम देते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए, आप इस तरह के प्लांट के अंदर हमने 2.5 टन के दो क्रशर लगाए हुए, जो एक क्रशर है उसकी कैपेसिटी 2.5 टन की है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अगर 5 टन की प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम 2.5 टन के दो ग्राइंडिंग सिस्टम दें, ताकि आपके पास कभी भी कोई मेंटेनेंस है तो एक सिस्टम स्टैंडबाय में रहे। ये जो ग्राइंडिंग सिस्टम है, कोर्स ग्राइंडिंग सिस्टम, यहाँ से मटेरियल ग्राइंडिंग होने के बाद में, कोर्स ग्राइंडिंग होने के बाद में, ये जो आप एलिवेटर देख रहे हैं, इस एलिवेटर से ये ऊपर चला जाएगा, फर्दर हमारे आगे टैंक में जाके स्टोर हो जाएगा, या टैंक में जाने के बाद में प्लांट शिफ्ट में चला जाएगा। ये हम जो देख रहे हैं ये फाइन ग्राइंडर है, मतलब अगर हम बात करें 5 टन के प्लांट के अंदर तो दो कोर्स ग्राइंडर, दो फाइन ग्राइंडर। सिमिलरली अगर हम 2 टन के प्लांट की बात करेंगे तो उसमें 1 टन के दो ग्राइंडर देंगे हम कोर्स और 2 ग्राइंडर देंगे हम फाइन, ताकि कभी भी आपका प्लांट जो है वो कभी भी ऐसा ना हो कि एक सिस्टम खराब होने की वजह से स्टैंडिंग मोड में आ जाए, वो हमेशा चलता रहे, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए हमने सतत चलाने के लिए प्लांट की ग्राइंडिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा हुआ है। यहाँ से जो ग्राइंडिंग होगा, मटेरियल ग्राइंडिंग होगा, वो ये जो एलिवेटर दिख रहा है इसके माध्यम से पूरा ऊपर जाके सीविंग सिस्टम में चला जाएगा। सीविंग से जो मटेरियल बारीक मटेरियल है, फाइन मटेरियल है, जो वो तो आगे चला जाएगा मिक्सिंग सिस्टम की तरफ, और जो कोर्स मटेरियल है वो हमारा फाइन ग्राइंडिंग सिस्टम आ जाएगा। ये हमारी सेकंड फाइन ग्राइंडिंग मिल है। तो सिंपल सिस्टम है दोस्तों, सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल टैंक में स्टोरेज होगा, रॉ मटेरियल वहाँ से बैच बनेगा, जैसे मान लीजिए 5 टन का प्लांट है तो 2.5 टन का बैच बनेगा, वो एक बार मिक्स होगा पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद फिर फर्स्ट ग्राइंडर में आएगा, यानी कोर्स ग्राइंडर में आएगा, कोर्स ग्राइंडर से छन्नी के लिए जाएगा, छनाई में जाएगा, और जो छनाई किया हुआ मटेरियल है यानी फाइन पाउडर है वो आगे चला जाएगा एक्सट्रूडर के लिए, और जो कोर्स मटेरियल है वो दोबारा से फाइन मिल में आएगा पीसने के लिए। और इस तरह से हम लोग इंश्योर करेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफेक्टली ग्राइंड हो गया हो दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक्सट्रूजन से ग्राइंडिंग दाना बना रहे हैं, तो इसमें एक परफेक्ट ग्राइंडिंग होना और मटेरियल की यूनिफॉर्मिटी होना एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, अदरवाइज हमारा एक्सट्रूडर जाम हो जाएगा, होल चौक हो जाएंगे, अनइवन प्रेशर आएगा। तो इसके लिए कोर्स ग्राइंडिंग एंड फाइन ग्राइंडिंग का परफेक्ट होना जरूरी है, और फाइन ग्राइंडिंग से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर हम 4 mm का 3 mm का दाना बना रहे हैं तो हम लोग 45 mm तक का पाउडर बना लें इस फाइन मिल से। ये फाइन मिल में मटेरियल जा रहा है जो कि छन करके आ रहा है, यानी कि छनाई होने के बाद में जो कोर्स मटेरियल है वो इस फाइन मिल में जा रहा है, और फाइन पाउडर जो है वो आगे मिक्सिंग सिस्टम में जा रहा है। अगर हम 4 mm का दाना बना रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी कि 40 से 45 mm का हम पाउडर बना लें, अगर हम लोग 2 mm का पाउडर बना रहे हैं तो हमें 55 mm तक का पाउडर बना लेना, और अगर हम 1 mm का दाना बना रहे हैं तो हमें कम से कम 60 से 70 mm का पाउडर हमको बनाना है। अगर हम ये इंश्योर कर देते तो हमारा प्रोडक्शन और क्वालिटी बेस्ट आएगी। आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि अगर जितना फाइन पाउडर रहेगा उतनी ही इसकी बाइंडिंग कैपेसिटीज बढ़ जाएंगी, जितना कोर्स मटेरियल रहेगा उतना ही वो बाइंडिंग में कमज़ोर रहेगा। मसलन अगर मान के चलें तो बेसन का लड्डू और बूंदी के लड्डू में आप फर्क समझ लीजिए, वैसा ही फर्क है। बेसन का लड्डू आसानी से बाइंड हो जाता है, एक सार हो जाता है, एक पूरा उसका ठोस हो जाता है, और बूंदी का लड्डू कभी भी एक ठोस नहीं हो सकता है, वो हाथ में लेते ही फिसल जाता है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश ये करें फाइन ग्राइंडिंग करें। ये सीवर सिस्टम है जो मैंने बताया था, इस सीवर सिस्टम के अंदर हम लोग कोर्स ग्राइंडिंग के बाद में मटेरियल को डालते हैं। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ से जो मटेरियल है वो लगभग 64 सीव के सेट में जाता है, 24 जाली इसके अंदर, 64 जाली इसमें लगी हुई है, उन 64 जाली के सेट से निकल करके वो छन करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जाली का अलग अलग सिस्टम इसमें लगाया हुआ है, 4 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm के हिसाब से। और यहाँ से जो मटेरियल निकला आप सीविंग के बाद में, जो मटेरियल आएगा वो ये टैंक में आके स्टोर हो जाएगा, जो हम टैंक में देखते हैं। ये हमारा एक्सट्रूजन से पहले का मिक्सिंग सिस्टम है, यानी कि हमारा जो सीवर सिस्टम से जो मटेरियल आएगा वो सीवर सिस्टम से मटेरियल आने के बाद में इस टैंक में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से इस मिक्सचर के अंदर आ जाएगा। ये मिक्सचर 2.5 टन का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में आने के बाद में हम लोग यहाँ पर हमको ऑयल ऐड करना है या मेडिसिन ऐड करना है, तो इसमें मेडिसिन ऐड करेंगे। अब जो हमारा ये प्रोडक्ट आ गया है ये आगे एक्सट्रूजन सेक्शन में जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पर जाकर के हमारा जो एक ग्राइंडिंग सिस्टम है, प्रीमिक्सिंग प्लस ग्राइंडिंग प्लस सीविंग सिस्टम, वो यहाँ पर एंड होता है। हमारा मिक्सचर में बैच बन जाता है, बैच के अंदर हम लोग ऑयल डालना है, वाटर डालना है, या फिर हमको मेडिसिन डालना, वो हम यहाँ से डालने के बाद में जो मिक्सचर है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं,
और ये है, फिर मिक्सचर का मिक्स किया हुआ मटेरियल आगे एक्सट्रूजन सेक्शन में चला जाता है। ये हम जो देख रहे हैं ये एक्सट्रूजन सेक्शन के ऊपर का टैंक है, जिसके ऊपर एक विंड डिस्चार्जर लगा हुआ है जो कि वाइब्रेशन चलता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी फाइन पाउडर होता है, तो विंड डिस्चार्जर से हम डिस्चार्ज करके इसको हम लोग सीधा एक्सट्रूडर पर ले जाते हैं। तो दोस्तों बात करें तो हमारा पूरा ग्राइंडिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। ग्राइंडिंग सिस्टम से हम लोगों ने एक फाइन पाउडर बनाकर के एक्सट्रूडर के ऊपर फीड कर दिया है और कोर्स मटेरियल जो है हमारा फाइन मिल में चला जाता है, वहां से रिसर्कुलेशन चलता रहता है और हमको अल्टीमेटली 100% मटेरियल एक फाइन पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। यह जो हम लोग पाउडर देख रहे हैं ये फाइन पाउडर है जो कि पीछे हमारे ग्राइंडिंग सिस्टम से निकल कर आ गया है और यह पाउडर अब सीधे सीधे एक्सट्रूजन सेक्शन में जाने के लिए रेडी है। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सट्रूजन के लिए पाउडर की एक फाइननेस एक बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर पाउडर फाइन नहीं है तो हम जो परफेक्ट बॉन्डिंग है बिटवीन द पार्टिकल्स या जो हम सॉलिडिटी उसमें चाहते हैं, फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसमें चाहते हैं, वो सब उसमें पनप नहीं पाती है या पनपती तो कमज़ोर पनपती हैं। इसलिए पाउडर की फाइननेस इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। मसलन कि अगर आपको 4 या 5 एम का दाना बनाना है तो आपको कम से कम 45 मैच का पाउडर होना चाहिए। अगर हम 3 एम का दाना बनाना चाहते हैं कम से कम 48 से 50 मैच का पाउडर हो, 2 एम का दाना बनाना है तो आपको कम से कम 55 से 60 मैच का पाउडर हो, और अगर 1 एम का दाना बनाना है तो 65 से 70 मैच का पाउडर उसमें बनना चाहिए, तभी जा कर के हम एक जो बॉन्डिंग है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ साथ इस पूरे प्रोसेस के अंदर पाउडर जनरेशन ना हो उसके लिए भी हमें एक परफेक्ट फाइननेस जो हमारे पाउडर की है ग्राइंडिंग सेक्शन से जो आ रहा है उसको सुनिश्चित करना पड़ता है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम पूरे सेक्शन के अंदर एक रॉ मटेरियल को मिक्स करके हम लोग एक फाइन पाउडर बनाते हैं। इस फाइन पाउडर को हम लोग फिर एक एक्सट्रूजन सेक्शन के ऊपर लेकर है। इस प्लांट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक्सट्रूडर लगे हुए हैं, लगभग 2.5 टन के एक एक्सट्रूडर और 2.5 टन का ही दूसरा एक्सट्रूडर, इस तरह से 2 एक्सट्रूडर लगे हुए हैं। एक कॉमन फीडिंग सिस्टम से अभी आप देख रहे हैं कि हम फर्स्ट एक्सट्रूडर में पाउडर को फीड कर रहे हैं, उसके हॉपर में फीड कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि अगर जितना एक्सट्रूडर को माल कंजप्शन हो रहा है, फाइन पाउडर का कंजप्शन हो रहा है, उतना मटेरियल इस हॉपर से नीचे चला जाता है और इस हॉपर को एक स्क्रू फीडर जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, ये इसको फीड करता रहता है। तो ये सारा सिस्टम इस तरह से सिंक्रोनाइज किया हुआ है ताकि कहीं भी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ना हो। अभी आप देख रहे थे ये रुका हुआ था, अब चालू हो गया क्योंकि जैसे एक्सट्रूडर चल रहा है जितनी इसकी डिमांड है उस हिसाब से चल रहा है। अभी ये बंद हो चुका है और अब हम देख रहे हैं वो ऊपर बंद हो गया और नीचे इसका जो हॉपर है वो पूरा वो भी फुल होने को आ गया है। तो इस तरह से एक सिंक्रोनाइज्ड प्लांट चलाने का फायदा जो ये है कि कहीं भी हमको ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, मटेरियल क्लॉगिंग या पाउडर क्लॉगिंग कहीं भी नजर नहीं आती है। दोस्तों अब हम आ गए सीधा एक्सट्रूजन सेक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 टन के 2 एक्सट्रूडर लगे हुए हैं। ये एक्सट्रूडर स्टीम प्री कंडीशनर लेस है, यानी कि इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो पाउडर आ रहा है उसको 2 सेट ऑफ प्री कंडीशनर निकालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉपर के नीचे एक ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का स्क्रू लगा हुआ है, विच इज एन फीडर, जो सेकंड नंबर के यानी कि फर्स्ट सेकंड नंबर के जो प्री कंडीशनर है उसमें मटेरियल को फीड करता है। इस प्री कंडीशनर के अंदर यहाँ पर पहले मॉइस्चर लगती है, इसके अंदर पानी लगाते हैं हम लोग, या लगभग 15 से 18% का पानी फीड करते हैं। और सेकंड जो प्री कंडीशनर रहेगा जो जस्ट एक्सट्रूडर के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं सामने नीचे की तरफ जो देख सकते हैं, ये जो एक्सट्रूडर प्री कंडीशन इसके अंदर हम लोग स्टीम लगाते हैं। और पर्पज हमारा जो रहता है स्टीम लगाने का, हम ये चाहते हैं कि बिफोर ये मटेरियल हमारा एक्सट्रूडर के चैम्बर में आए उससे पहले इसको हम स्टीम लगा करके इसको इतना मॉइस्चर कर देते हैं, कुक कर देते हैं, ताकि स्क्रू के अंदर जब एक्सट्रूडर के अंदर ये स्क्रू और चैम्बर के बीच में मटेरियल जो है सतह पर चिपके ना। और इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज ये रहता है कि हमारा मटेरियल क्लॉगिंग अंदर नहीं होता है, चिपकता नहीं है, और एक्सट्रूडर का लोड अच्छा आ जाता है, यानी कम पावर में भी हम अच्छा खासा लोड एक्सट्रूडर से निकाल सकते हैं। तो ये हम सेट देख रहे हैं, एक ऊपर फीटर लगा हुआ है ग्रीन, उसके ऊपर हॉपर है, उसके बाद वाटर के लिए प्री कंडीशनर, उसके बाद एक स्टीम का प्री कंडीशनर है, और ये एक्सट्रूडर से मटेरियल निकल करके सीधा हमारी एक कन्वेयर पर आ जाता है। ये बेल्ट कन्वेयर में हम देख रहे हैं कैसे बेल्ट कन्वेयर कन्वेयर में ये जा रहा है।
बेल्ट कन्वर्टर से निकलने की ये बात, ये मटेरियल जो है आगे हमारा एक एयर कन्वेइंग सिस्टम से ड्रायर फर्स्ट में चला जाता है। बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि एक सॉफ्ट टच मिले दाने को निकलने बाद, इससे उसकी जो ब्रेकेज है वो कम से कम हो पाए। और ये देख रहे हैं आप बेल्ट कन्वेयर से, यह जो मटेरियल है वो एक एयर कन्वेइंग सिस्टम में जा रहा है, ड्राई एयर कन्वेइंग सिस्टम में, ताकि हम व्हाइल कन्वेइंग भी इसके जो मॉइस्चर उसको डाउन कर देते हैं। तो दोनों एक्सट्रूडर से निकल के बाद मटेरियल आता है बेल्ट कन्वेयर में, और बेल्ट कन्वेयर से हम लोग इसको लेके जा रहे हैं सीधा ड्रायर वन में। जैसे कि आपको पता ही लग गया होगा पूरे वीडियो के अंदर कि एक्सट्रूडर से निकलने वाले मटेरियल के अंदर लगभग 15 से 18% तक मॉइस्चर होता है, क्योंकि इसमें हम पानी भी ऐड करते हैं, स्टीम भी ऐड करते हैं। एंड फॉर सेफ स्टोरेज किसी भी मटेरियल के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट डिफाइन हुआ वो है 10 से 11% तक, मैक्सिमम 12% तक। तो हमको किसी भी तरह से मॉइस्चर को जो है 10 से 12% लाना होता है, इसीलिए हम दोनों जो एक्सट्रूडर दिख रहे हैं इनका जो मटेरियल बाय कन्वेयर जाएगा इसको हम लोग ड्रायर में ले जाएंगे, और ड्रायर में हम लोग कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर जो है इसका जो मॉइस्चर है वो 10 से 11% तक मॉइस्चर हम सेट करते हैं। अगर 10 से 11% आप मॉइस्चर को सेट कर देते हैं तो उसके बाद में आप इसको आराम से 3 महीने तक रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ फंगस कॉन्टमिनेशन एनीथिंग। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये वीडियो में, ये दोनों एक्सट्रूडर हमारे लगे हुए हैं, 2.5-2.5 टन के दो एक्सट्रूडर लगे हुए हैं, और इस तरह से इस प्लांट को हम लोग 5 टन पर आवर पर चलाते हैं। दोनों एक्सट्रूडर आइडेंटिकल है, दोनों एक्सट्रूडर से निकलने वाला मटेरियल आइडेंटिकल है, इसीलिए पूरा सिस्टम चल पाता है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इन पूरे सिस्टम में हमने जो देखा वो था कि फाइननेस अगर अच्छी रहेगी तो हमें दाने की जो शेप है, साइज है, उसकी फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक सब अच्छी मिलेगी। बहरहाल अभी हम लोग यहाँ पर दाने को लेके आ गए हैं ड्रायर वन में। ये आपको दिख रहे दो ड्रायर है, ड्रायर वन एंड ड्रायर टू। हम अभी नई डिजाइन में ड्रायर एक भी दे रहे हैं, लेकिन ड्रायर दो देने का पर्पज हमारा था कि हम लोग इनिशियली पहले दफा जब मटेरियल कॉन्टेक्ट में आ रहा है ड्रायर के तो हम टेम्परेचर ज्यादा रखते थे 100 डिग्री सेल्सियस प्लस, और सेकेंड ड्रायर में हम लोग 80 डिग्री पर रखते थे ताकि बाद में मटेरियल को बैग में भरने से पहले कूलिंग की समस्या ना आए। एंड वो लॉजिकल भी है, हम अगर ड्राई कर रहे हैं तो हॉट एयर इसमें देते हैं हम लोग। इस सिस्टम को आप समझिए, इसके ऊपर दो ब्लोअर लग रहे हैं, और ये ब्लोअर जो होते हैं बेसिकली वो रेडिएटर में जो स्टीम चलती है उससे हीट को गर्म करते हैं, एयर को गर्म करते हैं, और इस गर्म एयर को हम लोग इसमें ड्रायर में डालते हैं। और इस तरह से ड्रायर वन और ड्रायर टू से निकलने के बाद ये मटेरियल जो हमारा ये फ्लेवरिंग जोन में आता है। ये देख रहे हैं आप, ये रोटरी ड्रम है, ये हमारे कोटिंग ड्रम है, ऑयल कोटिंग ड्रम है। यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर एडिबल ऑयल का स्प्रे करते हैं, ऑयल फिश ऑयल भी हो सकता है, आप राइस ब्रांड ऑयल यूज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारा दाना है वो फिश के लिए एडिजिव बने, फिश के लिए एक अट्रैक्टिव बने। आप अभी जो ये देख रहे हैं ये पूरा प्लांट का एक टॉप लेआउट देख रहे हैं किस तरह से 45 फीट हाइट के शेड के अंदर इस पूरे प्लांट को हमने बैठाया हुआ है। इस प्लांट को जो कि 5 टन है, इसको जो प्लांट का एरिया है वो 12,500 स्क्वायर फीट है, यानी 12,500 स्क्वायर फीट है। विड्थ में ये प्लांट 70 फीट है, और लेंथ में ये जो प्लांट है हमारा ये करीब करीब 250 फीट के आसपास का है, ओनली प्लांट एरिया। बाकी जो फिनिश प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल का एरिया, वो अलग है। तो इस तरह से एक पूरे एरिया के अंदर, एक हाइटेड शेड के अंदर हम लोग प्लांट को लगाते हैं। और सिस्टमेटिकली प्लांट के अंदर पहले रॉ मटेरियल मिक्सिंग, सेकेंड ग्राइंडिंग, थर्ड मिक्सिंग, फोर्थ एक्सट्रूजन, फिफ्थ ड्राइंग सेक्शन, सिक्स्थ ऑयल कोटिंग, सेवन्थ कूलिंग एंड एट्थ पैकिंग। इस 8 स्टेप से ही हम दाने को निकालते हैं। हम प्लांट को इस तरह से डिजाइन किए इस पूरी लाइन के अंदर कि अगर आप चाहते हैं कि 2.5 टन का प्लांट चलाना चाहें तो 2.5 टन का चला सकते हैं, और अगर आप चाहें कि हमें पूरा 5 टन का प्लांट चलाना तो हम 5 टन का चला सकते हैं। यानी हमारे हमने इसमें रॉ मटेरियल मिक्सिंग से लेकर के एक्सट्रूजन तक 2 लाइनें दी हुई है 9-10 की, और उसके बाद जो लाइन है वो पूरी एक कॉमन लाइन है। तो हम प्लांट को दोनों मोड में चला सकते हैं, 2.5 टन के मोड में भी और 5 टन के मोड में चला सकते हैं एज ऑन नीड। अभी जैसे ये आप फिलहाल देख रहे हैं ये प्लांट 5 टन पे चल रहा है, और
हम अगर एक शूटर की एक लाइन बंद कर देंगे पीछे, तो इस प्लांट को हम लोग 2.5 टन पर चला सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा अभी तक के वीडियो में कि एक 15,000-14,500 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर आसानी से हम 5 टन का प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें रॉ मटेरियल के लिए और फिनिश प्रोडक्ट के लिए लगभग इतना ही एरिया चाहिए, यानी 30,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो आप आसानी से एक 5 टन पर आवर का यानी 100 टन पर डे का प्लांट लगा सकते हैं। इसके लिए शेड की हाइट जो चाहिए आपको 45 फीट चाहिए, शेड की लेंथ करीब करीब जो प्लांट के लिए है वो 250 फीट के आसपास होनी चाहिए, और अगर आपको प्लांट रॉ मटेरियल फिनिश के लिए बात करें तो करीब करीब जो है 500 फीट के आसपास लेंथ शेड किया जाएगी। 500 फीट की लेंथ ले लीजिए और 60 फीट की अगर विड्थ मिलते हैं तो 30,000 स्क्वायर फीट के अंदर आसानी से हम लोग एक 5 टन का प्लांट लगा सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा जो दाना ऑयल कोटिंग होकर है, यानी कि एक्सट्रूजन के बाद ड्राइंग में जाता है, उसकी मॉइस्चर निकल जाती है, उस पर ऑयल कोटिंग होने के बाद में जो दाना है वो इस तरह से दिखता है। फाइनल जो दाना है जो कि अब ठंडा होकर के पैकिंग में जाएगा वो इस तरह का दिख रहा है। इस ऑयल कोटिंग के अंदर हम लोग एक ऑटोमेटिक स्प्रिंग सिस्टम से हम लोग फिश ऑयल का, एडिबल ऑयल का स्प्रे करते हैं, और यहां से जो दाना है पॉलिश होकर के, कोटिंग होकर के, वो सीधा पैकिंग सेक्शन में चला जाता है ठंडा होने के बाद में। दोस्तों ये देखा जाए तो ये इस प्लांट की एक अहम स्टेप है, बिकॉज क्योंकि कोटिंग के बाद में आप देखिए कोई भी चीज खा रहे हैं, हम ह्यूमन फीड में भी कुछ खा रहे हैं, लेकिन कोटिंग के बाद में उस चीज की एक काया पलट हो जाती है। चिप्स बन के आ रहा है लेकिन चिप्स के ऊपर मसाला लगने के बाद में उसकी काया पलट हो जाती है। इसी तरह से हम फिश के लिए भी बात करें तो फिश है तो जीव ही, तो उसकी भी इच्छा होती है कि हम वो कोटेड या फ्लेवर्ड खाए, तो इसके लिए फिश ऑयल का अगर कोटिंग इस पर कर दिया जाता है तो ये फिश को एक अच्छा एडिजिव ग्रुप में काम करता है। फिश इसको स्मेल को सूंघते ही तुरंत सरफेस पर आती है और फीडिंग लेती है। तो मोस्टली हमारी सर्वे में ये बताया गया है कि कोटिंग के बाद में फिश का दाना उठाने का रेशियो जो है विदाउट कोटेड को से ज्यादा है, काफी अच्छा ज्यादा है। और ये जो हम देख रहे हैं सामने, ये जो हमारा दाना है ये कोटिंग के बाद में एक कूलर में जाता है, कॉन्ट्रा फ्लो कूलर जिसको बोलते हैं हम। कॉन्ट्रा फ्लो कूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दाना ऊपर से नीचे आता है, एयर नीचे से ऊपर जाती है, और उस कूलर के अंदर प्रोसेस से गुजरते हुए दाना जो है ग्रेडर पर आता है। ये देख रहे हैं आप जो ग्रेडर है, नॉर्मली ग्रेडर का जैसे कि अपना आप में पता लग रहा है ग्रेड करता होगा, यानी कि छोटा बड़ा अलग कर देगा, अगर है पाउडर है तो अलग कर देगा, और इस प्रोसेस के दौरान दाना ठंडा होता है। देखिए आप कितना एक लेयर बन के जाता है, तो यहाँ दाना ठंडा भी होता है। तो एक डबल लेयर का ग्रेडर हमने दिया हुआ है, एक वाइब्रेटरी ग्रेडर और एक आपका टू एंड फ्रो मोशन ग्रेडर। इन दोनों ग्रेडर का पर्पज यही है कि दाना हमारा जो है परफेक्टली कूल्ड हो जाए, उसके अंदर कोई भी पाउडर ना रहे, कोई भी अंडर साइज ओवर साइज ना रहे, ये हमारा पूरा पर्पज होता है। और इस तरह से ये देखिए ये जो दाना है ड्राइंग और उसके बाद में कोटिंग, कोटिंग के बाद में ये सामने जो दिख रहे हैं आप, ये हमारा कॉन्ट्रा फ्लो कूलर है, ये वर्टिकल जो कूलर दिख रहा है ये आपको कॉन्ट्रा फ्लो कूलर दिख रहा है। इसमें दाना ऊपर से नीचे आएगा और हवा नीचे से ऊपर जाएगी। इसको हमने एक 10 एचपी के ब्लोअर का बैकअप दिया हुआ है, यानी कि इसमें ठंडी हवा चलती है, ठंडी मतलब नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर से ठंडी हवा आती है वो उसको ठंडा कर देती है। दाना ऊपर से नीचे की तरफ आता है और उसमें अपोजिट डायरेक्शन में एयर चलती है, तो इस तरह से दाना फ्लोटिंग किया हुआ महसूस करता है अपने आप को हवा में और वो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पाया जाता है। और इसके बाद में यहाँ से ये ग्रेडर जो कि ग्रेडिंग कर रहा है, पाउडर को निकाल रहा है, साथ साथ उसको ठंडा भी कर रहा है, ओवर साइज अंडर साइज निकाल रहा है, ऐसा डबल लेयर ग्रेडर है, एक ग्रेडर वाइब्रेटरी ग्रेडर है, सेकंड टू एंड फ्रो मोशन ग्रेडर है। इस प्लांट की टेक्निकलिटीज यही होती है कि इसमें किस मशीन को किस जगह यूटिलाइज करना है, ये एक हमको इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ नहीं कर पाते हैं, तभी हम प्लांट को ऑटोमेटिक मोड में चला सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा प्लांट एक ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम से चल रहा है, एक पीएलसी रूम से चल रहा है, इसलिए इस प्लांट के अंदर मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम है। और ये डबल लेयर ग्रेडिंग सिस्टम से निकलने के बाद ये दाना है सीधा पैकिंग सेक्शन में चला जाता है, जहां पर कि हमारे लड़के इसको
4 mm 3 mm 5 mm के दाने को 35 किलो में और 2 mm 1 mm के दाने को 25 किलो में पैक कर लेता है। और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है, ये एकदम आफ्टर कोटिंग के बाद में बिफोर पैकिंग हम देख रहे हैं ग्रेडर पे आ रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा। और यहां से जो मटेरियल है ये बाय एयर कन्वेयर, अगेन एयर कन्वेयर से फिर सीधा पैकिंग टैंक में चला जाता है। दोस्तों हमने अभी तक पूरा देखा कि इस पूरे प्लांट के अंदर हमें कहीं भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, हमें पूरा मैनुअल इंटरवेंशन फ्री प्लांट है, कोई इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमें ओनली कंट्रोल रूम से प्रॉपर से सेटिंग करनी है इसकी और सेटिंग के बाद में प्लांट को चलाना है, प्लांट का कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिक्स करना है, मटेरियल का फ्लो फिक्स करना है, मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कितना बारीक होना चाहिए, कितनी फाइननेस होनी चाहिए, सबको ध्यान रखना है और हम आसानी से इस प्लांट को चला सकते हैं। डेफिनेटली इस प्लांट को चलाने के लिए यानी 5 टन के प्लांट को चलाने के लिए हमें 12 लेबर चाहिए कम से कम, जो ये रॉ मटेरियल भी डालेंगी और फाइनल पैकिंग भी करेंगी, और इसके अलावा 2 ऑपरेटर चाहिए होता है, एक ग्राइंडिंग के लिए चाहिए होता है और एक हमको पोस्ट एक्सट्रूजन जो ग्रेडिंग होती है उसके लिए चाहिए होता है। तो इस तरह से हमको बेसिकली 12 लेबर एंड 12 लेबर और 2 ऑपरेटर के साथ में हम इस पूरे प्लांट को ऑटोमेटिक चला सकते हैं। अभी बहुत ही सही समय है, सही समय के साथ में आप लोग अपने प्लांट की प्लानिंग कर सकते हैं। इस प्लांट को अभी गवर्नमेंट ने 100 टन के प्लांट को स्कीम में निकाला हुआ है, कई स्कीम्स में ये प्लांट निकल के आ रहे हैं, अच्छी खासी सब्सिडी गवर्नमेंट ने 60% 40% की दी हुई है। इस प्लांट को प्लानिंग करके आप आसानी से 100 टन पर डे फ्लोटिंग फिश फीड बना सकते हैं। और इस प्लांट में अगर हम लोग एक्सट्रूडर के साथ में एक पैलेटाइजर लगा लेते हैं तो इसी प्लांट से हम लोग एक सिंकिंग फिश फीड भी बना सकते हैं, पोल्ट्री फीड भी बना सकते हैं। तो ये एक मल्टीपल यूज का प्लांट है, यूज कैसे करना है और क्या करना है ये हमको देखना है, बाकी इस प्लांट से हम पोल्ट्री फीड, कैटल फीड और फ्लोटिंग फिश फीड, सिंकिंग फिश फीड चारों ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये प्लांट अगर हम चाहें तो 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट पर चला सकते हैं और कंटिन्यूसली चला सकते हैं, विदाउट एनी गैप हम इसको रन कर सकते हैं, 24 आवर हम प्लांट को चलाना चाहते हैं। ये इस प्लांट का फ्लेवरिंग सिस्टम है, कोटिंग सिस्टम है, और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि प्लांट ट्रबल फ्री चल रहा है, एक ऑपरेटर ओनली जो एक्सट्रूजन का ऑपरेटर है वो एक्सट्रूडर को सेट करने के बाद में चेक करता रहता है कि कोटिंग कैसे आ रही है, ग्रेडिंग कैसी हो रही है। तो पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हमने 2 पार्ट में प्लांट को डिवाइड किया है, एक तो ग्राइंडिंग तक का सिस्टम और एक पोस्ट ग्राइंडिंग एक्सट्रूजन से लेकर के फाइनल सिस्टम, इसमें 2 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस प्लांट को हमने 2 लाइन में डिवाइड किया हुआ है, 2.5 टन की 2 लाइन में डिवाइड किया हुआ है, आप जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं, यानी कि टिल एक्सट्रूडर प्लांट 2 लाइनों में बटा हुआ है, इसके बाद प्लांट जरूर एक हो जाता है, एक ही लाइन हो जाती है। और ये हमारा फाइनल मटेरियल जो है पैकिंग हो रहा है, जो लेबर ऑलरेडी वेट सेट किया हुआ है, वेइंग किया हुआ सिस्टम है, उसको वेट सेट किया हुआ है, बस लेबर जो है मटेरियल को भरने के बाद में इसको सिलाई पर ले जाती है और जाके अपनी जगह पर लगा देती है। प्लांट में काफी अच्छे हाइट के टैंक भी हुए हैं ताकि किसी भी जगह पर अगर लेबर नहीं है या कोई समस्या है तो आसानी से सिस्टम चलता रहे। और ये हमारा जो बनाए हुए फीड का एक विजुअल आपको प्रेजेंटेशन है, किस तरह से फिश इसको जो चाव से खा रही है, और इस तरह से हम पूरे सिस्टम से एक आइडियल फ्लोटिंग फिश फीड बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, और जल्द से जल्द अपने प्लांट की प्लानिंग के लिए
आप हमारे पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी किसी भी शोरूम में पहुंचिए, कोटा पहुंचिए और आप इस मशीन को बुक कीजिए। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे नंबर पर 7073642737 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कभी भी हम तक रीच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।